झालावाड़ जिले के थाना क्षेत्र जावर के सेमला बेह में गांव में नाता प्रथा के चलते हुए साला और परिजनों द्वारा 7 लाख रुपए नहीं देने पर पूर्व जीजा और उसके परिजनों द्वारा नाबालिग साले का अपहरण कर लिया गया। उसके बाद आरोपी ने 3 परिजनों का भी अपहरण कर लिया। पुलिस ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाकर 4 अपहृत व्यक्तियों को सकुशल मुक्त करवाया। हालांकि इस दौरान आरोपी वहां से फरार हो गए। राजस्थान में आटा साटा और नाता समेत कई ऐसी कुप्रथाएं हैं जो लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती है। खासकर इन कुप्रथाओं का शिकार पुरुषों से ज्यादा महिलाएं होती हैं, जिन्हें इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। प्रदेश के झालावाड़ जिले में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया। जावर थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के खेरखेड़ा निवासी करंती बाई का करीब 12 साल पहले सेमला बेह गांव निवासी रामनिवास से विवाह हुआ था, लेकिन करीब 4 साल पहले पति पत्नी के बीच आपसी विवाद के बाद करंती बाई अपने पीहर खेरखेड़ा रहने लगी। लेकिन 2 महीने पहले करंती बाई ने मध्य प्रदेश में शादी कर ली। ऐसे में पूर्व पति रामनिवास ने नाता प्रथा की झगड़ा राशि के 7 लाख रुपए की मांग की, लेकिन पत्नी के परिवार वालों द्वारा झगड़े की राशि नहीं मिलने पर 2 दिन पहले आरोपी रामनिवास ने अपने साथियों के साथ मिलकर चंदीपुर से खेरखेड़ा की ओर जा रहे अपने नाबालिग साले सुनील का अपहरण कर लिया। पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद जावर थाने में ये पूरा मामला दर्ज हुआ था। 2 दिन पहले अपहरण हुए युवक को छुड़ाने पहुंची 3 थानों की पुलिस पर आरोपी जीजा रामनिवास और उसके परिजनों ने गोफन से पथराव कर दिया, जिसके चलते पुलिस में भगदड़ मच गई। पुलिस ने राम सिंह, रूप सिंह, पप्पू सिंह 3 नामजद सहित करीब दर्जन भर लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया और युवक की तलाश में पुलिस जुट गई है। इसके बाद उसकी जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक को दी गई। उन्होंने घटना को गंभीरता से देखते हुए रतन पवार, पुलिस उप अधीक्षक मनोहर थाना, कैलाश पुलिस उप अधीक्षक अकलेरा के सुपरविजन में लगभग 8 से 10 थानों के प्रभारी और लगभग 100 पुलिस जवानों का संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाकर ललताबाई, पति प्रेम सिंह, प्रेम सिंह, दीपक और नाबालिग सुनील कुमार को अपहृत व्यक्तियों को सकुशल मुक्त करवाने में पुलिस ने सफलता हासिल की। हालांकि इस पूरे ऑपरेशन में आरोपी फरार होने में सफल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी।